दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो फूड व्लॉगर हैं उन्होंने हाइजेनिक फूड दिखाकर इंडियन ऑडियंस के माइंड में चीजें भर दी हैं कि यहाँ पे सिर्फ हाइजेनिक फूड ही मिलता है। तो आज हम लोग अनहाइजेनिक फूड जो इंडियन स्ट्रीट फूड्स हैं जो इंडिया में परोसे जा रहे हैं उनके बारे में जानेंगे और उनको देखेंगे इस वीडियो में। देखिए किस तरह से अनहाइजेनिक फूड गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ बनाए रखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखेंगे तो काफी मजा भी आएगा और चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी कि कितनी ज्यादा अनहाइजेनिक फूड हम लोग को परोसे जा रहे हैं। मैं तौकीर हुसैन आपका मेजबान अपने यूट्यूब मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। दोस्तों ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के एंड में एक बार तफसीली बातचीत करेंगे। सो इंटरनेट पे इंडियन फूड ब्लॉगर्स ने इतना अनहाइजेनिक खाना दिखा दिया है कि बाहर के लोगों को ये लगने लगा है कि हम ऐसा ही खाते हैं। अब चाहे वो डोली भाई की चाय में पड़ने वाला दूध हो जो उनकी जीभ से लग के गुजरता है भाई, ये पहली वीडियो है जो बाहर के लोग ने बना रखा है। अब डोली भाई की चाय में पड़ने वाला दूध हो या फिर मैंगो शेक में पड़ने वाला आम का पल्प गूदा गूदा सेक्सी लगता ना क्या गूदा भाई, इसमें इतना आम का पल्प नहीं है जितनी इसमें मक्खियां हैं। सो आज हम बड़ा पाव वाले अंकल का आशीर्वाद लेके जो बगल में लगा के खिलाते हैं बड़ा पाव एक्स्ट्रा नमक मिला के इंकी पिंकी पंकी लेडी बॉट डोंकी। वैले इन अंकल के पास जो भी बड़ा पाव खाने जाता होगा ना, पता क्या कहता होगा, अंकल एक बड़ा पाव देना बिना बगल मारे। दुश्मनी की तो क्या पूछिए भाई, दुश्मनी है दुश्मनी सफाई से चल रही है। अरे भाई ये क्या कर रखा है चाचा, पान बेच के यहीं पे लोगों को खिलवा के थकवाते भी हो क्या? बोलो जुबा की से। ओके यार सफाई का ख्याल तो रख रखा है चाचा ने, पूरा पूरा सफाई नहीं मतलब हाइजीन का, ग्लव्स पहन रखा है हाथ में। गौर से देखो मैं पान वाने से खाता नहीं, मीठा पान खाया मैंने बहुत बार, लेकिन अगर मुझे इस दुकान पे जाके मीठा पान भी लेना पड़ा ना मैं भाई उल्टी कराऊंगा। भाई मुझे लगता भैया ने ले रखा स्वच्छ भारत अभियान को बहुत ज्यादा सीरियस। कह रहा बाहर कोई गंदगी नहीं करेगा, बीच के गली में जितनी भी गंदगी करनी है जिसे भी थूकना मेरी दुकान के अंदर थूक के जाओ। ओके भाई आग लगा दी, भैया ने बुझा भी दी, सही है सही है। हैं भाई मैं कसम से बता रहा, पहले मुझे लगा ये कपड़ा जो लिया ये तवा साफ करने के लिए लिया गया है, ये कहां से निकल गया इसमें भाई पराठा। मैं जो अभी एक तो भाई जादूगर के हाथ की सफाई देखी कि वो टोपी में से कबूतर निकाल देता, इन्हें तो रुमाल में से पराठा निकाल दिया। मैजिक। ओके ओके नॉट बैड नॉट बैड, बढ़िया है, लेकिन जो चीज बढ़िया नहीं है वो है भाई ये बाल्टी, सब चीज गलत है इस बाल्टी के साथ। इनकी पिंकी पंकी ये जो बाल्टी है ना ये है खानदानी बाल्टी। देखो था क्या, इनके परदादा लोग जो थे वो थे पेंटर, उन्होंने करा भाई मस्त पेंट वेंट इसी बाल्टी से। फिर जब उनका पेंटिंग का काम छूटा तब उन्होंने बाथरूम में रख दी, उन्होंने 4-5 साल ये बाथरूम में इस्तेमाल करी मस्त एकदम। फिर उसके बाद इसमें लगा दिया एक पेड़ गमला बना दिया इसे, 5-10 साल वो भी चला, जब वो सूख गया भाई ने कहा अब है पैशन फॉलो करने की बारी। ये है क्या मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अचार वचार है क्या ये, जो भी है ना ये पेट के लिए बहुत हानिकारक है, हलचल मचा देगा भेड़। स्टार्ट करो। अरे यार ये तो आइकॉनिक वीडियो है, कोई नहीं भाई फिर से देख लेते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, भैया को खुजली हो रही है, उन्हें खुजा दो दो बार भी नहीं देख सकते। ये सीक्रेट रेसिपी है यार तुम समझ नहीं रहे हो यार। नमक शमक नमक शमक, जब तक इधर उधर थोड़ा सा हाथ नहीं लगता ना तब तक स्वाद नहीं आता यार। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। वो जो खटासपन है ना भाई पानी पूरी के अंदर वो ऐसे नहीं आती भाई, ऐसे ही आती है भैया वो बता। ओके सो ये फूड कलर है गाइस, जिसे नहीं पता उसे मैं बता देता हूँ। सही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही। अबे चाचा यहाँ तक धो ले, ये बगले बगले सब धो दे इसमें बना ऐसे झुक। भाई यार अगर तुझे इसमें हाथ ही वो करने थे अपने कच 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 तो तूने हाथ में लेके गोल ही क्यों, चम्मच से लेके गोल सकता था यार। क्यों भाई यार Why are we still here?
तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें परी मैच के बारे में बता देता हूँ। अगर तुम्हें एंडोर्फिन बूस्ट चाहिए देन जॉइन मी टू एक्सप्लोर टॉप नॉच गेम्स इन द मार्केट लाइक एविएटर, अंदर बाहर, फूट एंड क्रिकेट। इससे भी अलग तुम्हें आप 5000 गेम्स और मिल जाएंगे खेलने के लिए। अगर तुम इस प्रकार के गेम्स में रुचि रखते हो तो परी मैच जरूर ट्राई करो। अभी हम एविएटर खेल रहे हैं, इसका सिंपल सा एक रूल है, कैश आउट बिफोर प्लेन टेक ऑफ। सो लेट्स सी क्या होता है गाइस। ओके, इसी के साथ जो है मैं विनिंग हो चुकी है इजीली। एंटरटेनिंग एंड प्रॉफिटेबल है गेम। परी मैच पर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड 100% सेफ। और इसी के साथ साथ 24/7 जो है तुम्हें यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा। फास्टेस्ट विड्रॉल एंड तुम्हें वेलकम बोनस के तौर पे 1,00,000 रुपीज तक मिल सकते हैं। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो परी मैच ज्वाइन करो, लिंक जो मैंने तुम्हें पिन कमेंट में दिया है। प्ले एंड डबल योर अमाउंट। यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला क्या कर रहा है? नाली के पानी से भी बर्तन धो रहा, इसमें तुम्हें खाना खिलाएगा ये भाई? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ये ठेले वाले या फिर इस टाइप की जो भी दुकान होती है वहाँ पे मत खाओ, वो बहुत अनहाइजीनिक बनाते हैं। ये जगह की बात है ही नहीं भाई, ये लोगों की बात है कि वो किस तरह से तुम्हें फूड सर्व कर रहे हैं। इनकी पिंकी पंकी, वाह 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 वाह, देख रहे हो क्या मस्त तरीके से रेवड़ी बन रही है गाइस। स्वाद कहाँ है? स्वाद यहाँ है, यहीं से आता सारा स्वाद। यार भाई तुम यार हाथ से बना सको यार, इसे हाथ से दबा सकते हो, घुमा सकते हो, गोल कर सकते हो, चपटा कर सकते हो, जो करना वो कर सकते हो, हाथ से पैर से ही क्यों। एक और पानी पूरी वाला है भाई, ये तो हल्का हाथ रख रहा भाई। ये जो बूढ़े वाले अंकल है ना, ये चश्मे वाले, ये रखते भारी हाथ। तो ये तो पानी में डाल रहा है, मिर्ची में डाल देते हैं, इतना बड़ा बड़ा हाथ। क्या बात कर रहे? मौज मस्ती काट रही भाई अंकल ने तो। अबे बेटा मौज कर दे। भगत जी इन्हीं हाथों से सुसु करते हुए और इन्हीं हाथों से अब गोलगप्पे खिलाएंगे। मैं आपसे एक फ्लेवर के बारे में सर बताना चाह रहा हूँ। क्या अभी क्या डाल रहे हो बताओगे क्या? इसमें धनिया पुदीना है सर। अंकल ऐसे ना मजा नहीं आ रहा, एक काम करो इसमें ना अपने कच्चा बनियान उतार के धो दो सीधे। पन्नी क्यों धोनी है इसमें, जो सामान है निकाल के डाल दो अच्छे से बस। ओके भाई मिर्ची डाल दी काफी सारी, नमक दिया गया। जीरो ये 90 वाला 120 हो जाएगा, जीरो वाला 30। ये क्या आ गया ये नहीं पता। मैं ही कह रहा था ये ठीक है, दिखने में इतना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन ये जिस तरह से कच 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 झिक 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 कर रहा था खाना। ठीक है ये लोंडा, आगे बढ़ते गाइस, आगे आगे बच्चों दी नहीं जाते। ओके गाइस चकली बनाई जा रही है यहाँ पे। चकली भाई पता नहीं तुम्हारी भाषा में शायद कुछ और कहते होंगे, गजक गजक भी कहते हैं बहुत सी जगह, बताना तुम क्या कहते हो तुम। लेकिन ये भाई फर्श पे क्यों बनाई जा रही है यार, है बर्तन नहीं है इनके पास कोई, लिटरली भाई उसके पैर से सिर्फ थोड़ा सा दूर, यहीं पे भी ये चल के भी गया होगा। ओ भाई 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 ये जिस हिसाब से फर्श को बर्तन समझ के इस पे ही बना रहा है, इस पे ही डाल रहा है। मुझे एक बात बताओ, तुम इस बर्तन को धोते किस चीज से हो, विम बार से, लाइजोल से या फिर फिनाइल से? है मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई के नाखून में इतने कीटाणु हैं कि 99% मर भी जाएंगे ना, तब भी भयंकर 300% बच जाएंगे। यार साफ सफाई करके भी बनाया जा सकता है यार, इसमें साफ सफाई रखने में थोड़ी पैसे खर्च हो रहे हैं। यहीं पे अभी कुछ बिछा होता, एक पन्नी होती उसके ऊपर ये लोग बना रहे होते, उसमें पीछे डाल रहे होते तो अच्छा सा लगता देख के। भाई उनने उसके अंदर कुंडला कर दिया है। क्या चल रहा भाई है, क्या चल रहा, मुझे मारो, मैं मारो मुझे मारो, मैं बाहर का कुछ खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा ये सब देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही है। नहीं ओके, अब वो उसी को चला रही। ओके क्यों क्यों तूने थूका क्यों इसमें, अगर तुझे खाना रहा तो दिमाग से पैदल है क्या भाई? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इसके भाई गाली खाने के काम नहीं है, इसके चप्पल खाने के काम है सीधे। लोगों का कहना होता है कि इसका खाना खा के थूकने का मन कर रहा है, लेकिन इसका खाना इसे खुद ही देख के थूकने का मन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, समझ रहे हो तुम? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ओके ठीक है भाई, अंकल मस्त गोलगप्पे खिला रहे हैं। दिक्कत है भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, अनहाइजीन वाइजीन है जो भी है वो सब छोड़ो, लेकिन ये परेशान क्यों है इतना इंसान? मुझे लगता है कोलैबोरेशन में गोलगप्पे खा रहा है बटीचो। साले कैमरा उठा के दो कोड़ी का आ जाते मेरे पास को ये हर दिन। वाह वाह भाई
इसको गाली नहीं देंगे यार, ये अच्छा इंसान है बड़ा भाई, ये पानी बचा रहा है यार। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, ऐसे लोगों की जरूरत है। ये वीडियो पे मैं पहले रिएक्ट कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए कि कितना नेक इंसान है भाई, फिर से दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम भी ऐसी नेक इंसान बनो। लोगों को फूड पॉइजनिंग दो भाई, उनकी जिंदगी हराम करो, उन्हें उनकी जान ले लो। सो गाइस देखो वीडियो करते हैं इधर ही खत्म, अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया है, जो कि तुम्हें आया होगा, बहुत ज्यादा आया होगा, वो बात एक अलग है कि तुम्हारी स्ट्रीट फूड की लिस्ट में से 4-5 आइटम मैंने कम करवा दिया आज। बट तुम्हें वीडियो लाइक करके जानी है, चैनल सब्सक्राइब करके जाना है, और तुम ये पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, फोन स्कैम चल रहा बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक, जाके देख लो, तुम्हारा फोन भी नहीं तो फट सकता। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देख ली होगी, वीडियो देखने के बाद आपने देख लिया होगा किस तरह के स्ट्रीट फूड अवेलेबल हैं और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कुल मिला के, ये जो स्ट्रीट फूड हम लोग खा रहे हैं। तो देख के समझ के परख के ही आप अपने स्ट्रीट फूड को सिलेक्ट करिए, और जहाँ से भी आप खा रहे हैं पहले उस कितने हाइजीनिक तरीके से उन फूड्स को बनाया जा रहा है इसका जरूर ध्यान रखकर उन जगहों से आप फूड खरीदें और खाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना अपनों का अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।